19th of March 2014 आज ज्ञान गंगा में परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी ने एक नया फेस्टिवल, एक नई त्योहार के बारे में बताया। पूज्य गुरु जी कहते हैं, तुमने बहुत से त्योहार मनाए होंगे, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लेकिन एक त्योहार जो हर किसी को मनाना है, एक फेस्टिवल जो हर किसी को मनाना चाहिए, उसे तो तुम भूल ही जाते हो। यस, गुरुजी सेड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, द फेस्टिवल ऑफ लाइफ। ये जिंदगी एक त्योहार से कम नहीं है। जिस प्रकार होली, दिवाली जब भी ये आती है उमंग लेके आती है, जब भी ये आती है खुशियां लेके आती है, इसी प्रकार गुरुजी कहते हैं जिंदगी भी हमेशा उमंग लेकर के ही आई है। वो अलग बात है, तुम इस जीवन की उमंग देख नहीं पाते हो। जीवन बहुत सुंदर है, उम्मीद से भी ज्यादा। हम इस जीवन के रंगों को समझ नहीं पाते। पूज्य गुरु जी कहते हैं, तू हर छोटे छोटे त्योहार को मनाता है, और हमारे हिंदू धर्म में तो कितने कितने सारे त्योहार हैं, लेकिन जिस त्योहार को तुझे मनाना है, जिस फेस्टिवल को तूने मनाना है, तू उस फेस्टिवल को भूल जाता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जीवन, जिंदगी, द फेस्टिवल ऑफ लाइफ। अब आप सोचोगे ये कौन सी बात हुई, अरे जिंदगी भी कोई त्योहार हुआ भला। हाँ, ये एक त्योहार है। कितने ढेरों खुशियां इस जीवन के साथ आने लगती हैं, सोचो तो सही। एक स्त्री गर्भवती होती है, अभी केवल खबर मिली तो उसका पूरा परिवार खुशी से झूम जाता है। बच्चे के लिए प्रतीक्षा की जाती है, एक एक दिन माँ पिता इंतजार करते हैं उस खुशी का, उस उमंग का जो उनके जीवन में आने वाली है, लेकिन अभी आई नहीं है, जो जीवन के रूप में उनके घर में आएगी। धीरे धीरे करके एक एक महीना बीतता है, 9 महीने पूरे होते हैं और वो जिंदगी जन्म लेती है। उस नई जिंदगी को देखकर कितना झूमते हो, कितना खुश होते हो, कितना आनंदित होते हो, कितना प्रफुल्लित होते हो। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक नई जिंदगी ने जन्म लिया है। तो क्या ये जिंदगी खुशी नहीं देती, उमंग नहीं देती? जहां जीवन प्रारंभ हुआ तभी से आनंद प्रारंभ हो जाता है, उमंग खुशी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये जीवन आगे बढ़ता है, हम इस उमंग को कहीं खो देते हैं। कुछ बेचारे लोग तो इतना खो देते हैं, जीवन से इतने निराश हो जाते हैं कि इस खुशी को समाप्त करने का सोचते हैं, अपनी जिंदगी को समाप्त करने का सोचते हैं। जीवन का हर एक दिन न जाने कौन सा नया पल लेकर के आए,
मैंने देखा है बहुत से लोग एडवेंचर पे जाते हैं, बंजी जंपिंग करेंगे, माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे या रिवर राफ्टिंग करेंगे और बहुत सारे एडवेंचर पर जाते हैं। उनसे पूछो क्यों अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो, क्यों? तो कहेंगे ये आनंद है, हमें ऐसा करके खुशी मिलती है, हम एडवेंचर कर रहे हैं। लेकिन सोचो तो सही, ये जो जीवन ये खुद ही कितना बड़ा एडवेंचर है। हर दिन हर पल पता नहीं कब क्या हो जाए, ना जाने कौन व्यक्ति आए तुम्हें क्या भूल जाए, ना जाने कौन सी नई चीज हो जाए, कौन सी अच्छी या बुरी खबर मिल जाए, तो क्या ये एडवेंचर नहीं है? लेकिन ये सब भूल करके व्यक्ति नई एडवेंचर पे चल देता है। ये जीवन एक बहुत बड़ा एडवेंचर है, उसी एडवेंचर से उसी उमंग से इसको जी करके देखो और कहोगे हम तो जीते हैं। और जब ये बोलोगे ना तो मुझे हंसी आती है, तुम जी रहे हो, तुम्हें मालूम है जीना किसे कहते हैं, जीना क्या है? रोकर कलप कर, रोज आंसू बहाकर, दो चार जली कटी बातें सुनाकर या सुनकर इसे जीना कहते हैं? रोज ये सोचना कब अच्छा समय आएगा, कब हमारे जीवन में खुशी होगी, अब तक तो हमने कोई खुशी देखी नहीं, इसे जीना कहते हैं? नहीं, इसे जीना नहीं कहते। सच में जीना तो अभी तुम्हें आता ही नहीं है। कभी रंगमंच, थिएटर, मूवी या प्ले देखा होगा। ध्यान से जब आप प्ले देखते हो कितना आनंद होता है, कितना मजा आता है। इतने सारे पात्र होते हैं और उनमें से एक पात्र के साथ आप अपने आप को जोड़ लेते हो। उनके डायलॉग, उनकी बातें, उनके आसपास का व्यवहार, ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन कभी सचमुच जी करके देखो। जब सच में जियोगे और अंदर से, भीतर से, ध्यान से सतर्क होकर के, चैतन्य होकर के, जग करके देखोगे तो तुम्हारे आसपास हर जगह एक ड्रामा ही तो चल रहा है, एक प्ले, एक थिएटर ही तो हो रहा है। पैसा खर्च करते हो और जा करके तमाशा देखते हो, लेकिन बिना पैसे के क्या ये तमाशा नहीं हो रहा, जिसमें आप एक पात्र हो, आपके आसपास और भी बहुत सारे पात्र हैं। कुछ डायलॉग तुम बोलते हो, कुछ डायलॉग वो बोलते हैं, नई नई परिस्थितियां आती हैं और जब एक दृष्टा बन करके, अब ये लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, दृष्टा कैसे बने? यदि दृष्टा बनोगे बड़ा आनंद होगा। सोचो आपकी पत्नी आकर के आपसे लड़ रही है, तुमने कोई काम नहीं किया, अच्छा नहीं किया, मुझे आज तक दिया क्या, ये वो, खूब सारी लड़ाई आपसे करती है। अब आप उसको पलट करके कोई जवाब ना दो, एकदम शांत होकर के बैठ जाओ और देखो उसके हाव भाव, सुनो उसकी बातें, देखो उसके मुख पर क्या क्रोध है। जब दृष्टा बन करके देखोगे ना तो लगेगा है ये क्यों इतना लड़ रही है, ये क्यों इतना परेशान है, और फिर विचार करना कि क्या
मैं भी इस परिस्थिति में कुछ ना कुछ ऐसा ही करता हूँ? क्या जब मुझे क्रोध आता है तो मैं भी सामने वाले से ऐसे लड़ता हूँ? जब दृष्टा बनोगे, दृष्टा बन के देखोगे तो आसपास बड़े सारे कलाकार दिखाई देंगे। हर कोई अपना रोल निभा रहा है, अपना नाटक कर रहा है और इन्हें देख करके बड़ा मजा आएगा। अजब तमाशा। कबीर दास जी ने बड़ी सुंदर कुछ पंक्तियां कही थी, कैसे हो खेल रचो मेरे दाता, कैसे हो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू, 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 कैसी भूल जगत में डारी, कैसी भूल जगत में डारी, साबित करने रही हो तू, जित देखूं उत तू ही तू। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि जहां देखता हूं प्रभु आप ही दिखते हो, लेकिन आप अलग अलग बेस में आते हो। जैसे एक एक्टर अलग अलग कैरेक्टर में आता है, उसी प्रकार हो तो आप एक, लेकिन अलग अलग पात्रों में, अलग अलग रोल में मेरे आसपास दिखते हो। कैसा अजब खेल है, बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत। जहां देखता हूं हो तो आप, लेकिन कोई ना कोई खेल रचा रहे हो। और ये सब करने के बाद प्रभु ऐसी लीला रच दी कि सामने वाले को लगता ही नहीं, उनको ऐसी भूल रहती है कि शायद ये जो पात्र हैं ये सच्चे हैं। करने वाले आप, कराने वाले आप, किरदार आपका, स्क्रिप्ट आपकी, स्टोरी प्ले आपका, स्क्रीन आपकी, सब कुछ तो आप कर रहे हो, लेकिन जो उसके अंदर दूसरा है, जो दुनिया है, उसे ये प्रतीत होता है कि शायद ये सब ड्रामा सच है। जब दृष्टा बन के देखोगे तो संसार में हर ओर अजब खेल, निराला खेल दिखेगा। हर जगह, हर मोड़ पर, हर समय दृष्टा बन जाओ, देखो ध्यान से, सतर्क होके। और जब बोलूंगी ना देखो, तो आंखें फाड़ फाड़ के जबरदस्ती बिना पल के झुकाए देखने की कोशिश करोगे कि शायद इससे कुछ ज्यादा दिख जाए। गुरु जी हमेशा कहते हैं, आंखें भीतर की, मन की खोल। ये लौकिक आंखों से तुझे ये सब नहीं दिखने वाला। लौकिक आंख तो तेरी केवल माया को और माया के जाल को ही देख सकती है, लेकिन मन की आंखों से, दृष्टि से तू जब इस संसार को देखेगा, तब तुझे इसकी असलियत मालूम होगी। तब हर जगह एक अजब तमाशा, एक अजब खेल दिखेगा। और जब खेल देखते हो, तमाशा देखते हो, तो उसमें तो नेचुरली यू फील गुड, यू फील हैप्पी, यू फील नाइस। एक नई उमंग, जब सस्पेंस स्टोरी देखोगे तो ऐसा लगता है अरे वाह, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो जीवन भी तो ऐसी सस्पेंस स्टोरी, कब क्या हुआ कुछ नहीं पता, कब कैसे हुआ कुछ नहीं पता, कब क्या होगा ये भी नहीं पता। तो इतनी सुंदर सस्पेंस स्टोरी, क्या इसका आनंद नहीं लोगे? यही गुरु जी ने कहा। त्योहार तो खूब मनाते हो, लेकिन जो त्योहार मनाना है उसे भूल जाते हो। इस त्योहार को मनाओ, इस जीवन को उमंग से जियो।
कुछ ही पल क्यों तुम्हारे उमंग से कटे, कि होली है तो खूब खुश होके आज होली है, आज होली है, बुरा ना मानो, होली है, खूब रंग डालोगे, खेलोगे, और जब समाप्त हो गया दिन, समाप्त हो गई होली, फिर दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। फिर आई दिवाली, खूब दिया जलाया, खूब दिवाली मुबारक, दिवाली मुबारक, खूब किया। फिर दिवाली चली गई, फिर मुख कमल सूख जाता, सारी खुशी चली जाती। फिर कोई नया त्योहार आया, उस पे एक दूसरे को बधाई दोगे, फिर चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर सूख जाओगे। गुरु जी कहते हैं, इस रस को जो त्योहार देते हैं तू अपने जीवन में भर ले। जब अपने जीवन में भरेगा तो एक त्योहार जो हर समय पूरे साल 24 घंटे 24/7 जो तेरे पास है, तो उसका आनंद जिएगा। और वो कुछ नहीं, फेस्टिवल ऑफ लाइफ है, जिंदगी। जब इस जिंदगी को तू जिएगा सच मायनों से, तो वो आनंद, वो उमंग हर क्षण तुम्हें मिलेगा। जय श्री कृष्ण।